जो हीरो के मेन पिक्चर में एंट्री है निपटा दो, बहुत बेहतरीन पिक्चर, एक नंबर है। आज के बाद काकरो रेगिंग करा तोला देख लूं, सुनो नहीं निपटा दूं। मेरे को तो एक्शन ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा है और आज के यूथ को, यूथ के लिए बहुत अच्छी है। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, सबले पहली सबले तेज। आप मन देखा तो यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी नरेश, और संगवारी हो मैं हूँ अभी प्रभात टाकिज में, और यहाँ लगे हैं लव दीवाना। तो जैसे कि आप मन देखा तो भीड़, ये जो भीड़ है तेन मन हाँ आवत है, भी सेकेंड शो देखे बार आवत है, और एक बाद अभी दर्शक मन आवत है फिल्म देख के, उनखर मन ले जानबो कि ये फिल्म कैसे लगीस। तो एक आध दर्शक से मिलथन बिल्कुल, और बात करबो ये फिल्म के बारे में, कबर की जो दर्शक मन है ट्रेलर ला यूट्यूब में, ओखर गाना मन ला यूट्यूब में देख के बहुत प्रभावित हो रही से, और लगत रही उम्मीद है कि बहुत दिन पहली मतलब बहुत दिन बाद अतका अच्छा फिल्म आने वाला है। तो संगवारी हो, आप मन के एक्शन स्टार दिलेश साहू की फिल्म लगे, तो आवा जानते हैं दर्शक मन ले कि इखर मन के का कहना है फिल्म देखे के बाद। मोर नाम सुरेश कुमार बांधे है, मैं रायपुर खड़ा हूँ, संतोषी नगर लिया हूँ देखे बार। बहुत अच्छा है पिक्चर भाई, जोरदार है, एक्शन वैक्शन सब बढ़िया है एकदम। गाना एक गाना तो सब ठीक है, और लास्ट में जो डाले है लव दीवाना के गाना टाइटल सॉन्ग, वो बहुत बढ़िया है। कैसे लगी भाई फिल्म? पिक्चर एक नंबर है भाई, एक नंबर है। का एक नंबर लगी भाई, मैं जो डायलॉग बोले हो वो निपटा दूं करके, वो अच्छा लगी थी, फेमस डायलॉग है। हाँ, और वो जोड़ीदार में से बहुत बढ़िया करे, जोड़ीदार से एक्शन में जो करे है मेन रोल, बहुत बढ़िया लगी। गाना मन सभी अच्छा है ना, और जो हीरो रीस ना लव वाले जो स्टोरी रीस है वो बहुत बढ़िया दर्शाए गए मोहित कुमार साहू जी है, और ये में मोर ख्याल से शायद बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं, और मैं कोई मतलब छोड़े नहीं ऐसे कि मतलब कोई जगह लगना नहीं चाहिए कि बुरा ऐसे करके, बहुत ही बढ़िया मतलब दर्शक ला पूरा शुरू से अंत तक बांधे वाला काम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में पैसा वसूल, हाँ वसूल जाएगा पैसा, जी जी। अच्छा बना है फिल्म, फिल्म अच्छा बना, हाँ बढ़िया बना। का अच्छा लगी साहब? हाँ मेरे को तो एक्शन ही अच्छा लगा, एक्शन अच्छा लगा। गाना वाना? गाना तो एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। कहानी कैसे लगी साहब? मतलब लव दीवाना जो नाम है वो बिल्कुल आपने परफेक्ट, लव दीवाना नाम है तो लव दीवाना का हिसाब से ही बना है, बढ़िया लगा। हाँ मतलब नाम है उसे काम, लव दीवाना जैसे ही बना है, मूवी अच्छा है और मतलब सारे चीज है मूवी में। अच्छा, तो अभी आप मन 10 स्टार है, मैं कितना देना चाहता हूँ फिल्म के? 10 स्टार में मैं मूवी को तो दे दूंगा ऐसे 7 स्टार। हाँ फिल्म तो त्योहार के हिसाब से बढ़िया है ना, जो हीरो के मेन पिक्चर में एंट्री है वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन, मतलब अनु शर्मा भी ऐसे एंट्री नहीं मारी जो अगर एंट्री होते हीरो, हाँ जो दिखा दे कि मैं अब आ गया हूँ हीरो। तो कहानी आप मतलब कैसे लगी सर? कहानी तो लव स्टोरी ठीक है, आज के माहौल के हिसाब दीवाना नाम है तेन तिगर हिसाब से, लव दीवाना तो फिर आज के माहौल को देखते हुए तो देखते हुए बनाए बनाए है, मस्त है। पिक्चर कैसे लगी सर? बहुत बेहतरीन पिक्चर है, मैंने कहा यूट्यूब में देख रहे हो ट्रेलर? कुछ मैं ट्रेलर नहीं देख रहा हूँ भाई, लेकिन मैं खुद टाकिज में आके आज खुद देखी हूँ मैं, कल जो फिर आ सकता हूँ मैं देखे बरेला, मतलब आते अच्छा लगी इसकी मैं इतना, बहुत बेहतरीन पिक्चर है भाई, एक कहानी और माँ बाप जैसे बनाए गए कहानी बेहतरीन, बहुत तरीन कहानी से चलते भाई पिक्चर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगी से मेरा बर्थडे। बढ़िया लगी जो स्कूल लाइफ रही ना वो बेस्ट रही, स्कूल लाइफ बहुत अच्छा लगी। गाना मन कैसे लगी? गाना तो सोना के साइकिल में चांदी के सीटे वाले बहुत अच्छा लगी, कैसे लगी? बहुत अच्छा लगी अच्छा लगी मतलब बहुत चीज अच्छा लगी से, जैसे जैसे कि फैमिली गाना भी अच्छा लगी, फैमिली भी अच्छा लगी, गरीब अमीर के बारे में भी बताए वो भी अच्छा लगी, अमीरी के बीच में जो खाई हाँ, जैसे नाम एक है लव दीवाना करके, तो कहाँ लगी साहब? अच्छा लगी से, रोमांटिक है, फुल रोमांटिक। अच्छा एक गाना मतलब आप देख रहे हैं यूट्यूब में ट्रेलर? नहीं ऐसे ज्यादा तो नहीं देखे रहे हूँ, थोड़ा बहुत देखे रहे हूँ ऐसे दूसरा मोबाइल से, अच्छा लग रही से। अच्छा, ये फिल्म देखना है करके किसे आप मतलब पता चला? मतलब मोर ननंद है जो पास में दे, वही मोला लेके ऐसे कि चल भाभी जाथन देख के आथन, ठीक है चल ऐसा कह के। सबोजल नमस्ते, मोर नाम दुर्गा निषादे, मैं आमापारा से आए हूँ, और मोला लगभग पिक्चर देखूँ करके मोला मैं मतलब मैं दिनेश साहू के बहुत बड़े फैन हूँ, मोला मोर जोड़ीदार से बहुत अच्छा लगी तो कर फिल्म देखे बार, और मैं धन्यवाद करती हूँ छत्तीसगढ़ ला के दिनेश साहू जी से छत्तीसगढ़ में हीरो आए थे, अब मैं धन्यवाद कर दूँ क्या कहते हैं जब एक मूवी लगी थी लव दीवाना, तो मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत जोरदार मूवी रही थी, बहुत अच्छा लगी थी सब चीज़, ऐसी कोई मतलब पूरा फैमिली लेके
जो नहीं देखे वो मतलब भी मैं आगाह करता हूँ, ये पिक्चर ला जरूर देखे लाओ, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगी का। अब पहली बार सुने गाना तो उतना नहीं होता, हाँ याद नहीं है। हाँ डायलॉग वो मतलब जब लड़ते ना तो बहुत अच्छा लगते, कुछ नहीं बोले नहीं बोले ज्यादा करवे निपटा दू बोलते ना बहुत अच्छा लगते। हाँ फेमस, हाँ मोर जोड़ीदार से मैं बहुत पसंद करता हूँ बातला, और अभी लव दीवाना में भी बोली था तो बोल बहुत पसंद आई थी। धन्यवाद जी। ये पहली छत्तीसगढ़ी पिक्चर है जिसमें साउथ जैसा जो फाइट होता है वो दिखाया गया। दिलेश साहू का जो एक्शन स्टंट काफ़ी अलग है, आप इनसे पहले हमने जितनी पिक्चर देखी उनसे बिल्कुल अलग स्टंट किए इसमें दिलेश साहू जी, जबरदस्त। अच्छा मोर जोड़ीदार देखे रहे आप? जी मैंने अभी छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखना शुरू किया है, तो मैं अभी हंस जन पगली के बाद ये दूसरी फिल्म है मेरी लव दीवाना, क्योंकि मैं एक्शन फिल्में पसंद करता हूँ, तो दिलेश साहू जी ने जो एक्शन दिखाया काफ़ी ज़बरदस्त, हमें पसंद आया उस मूवी। और जैसे उन्होंने रोमांस किया काफ़ी अच्छा रोमांस, और स्टोरी बहुत अच्छी इस पिक्चर की, एक सस्पेंस है, सस्पेंस मूवी आप इसे कह सकते, एक्शन प्लस सस्पेंस मूवी, बहुत ही अच्छी पिक्चर इन्होंने जो कि दिलेश साहू जी ने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है। मैं सभी दर्शकों को बोलूँगा ये पिक्चर जरूर देखें, काफ़ी अच्छी स्टंट किया इसमें। संगवारी हो, हमारे साथ में है महावीर सिंह चौहान जी और साथ में है शमशेर शिवानी जी, तो इखर मन ले जानता ना भी लव दीवाना देखे के बाद में इखर मन के का कहना है और कैसे लगी इस फिल्म? सबसे पहली तो मैं छत्तीसगढ़ के जनता मन ला एकादशी और जेठवनी के बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, और लव दीवाना के पूरा टीम ला बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, बहुत ही शानदार फिल्म बने हैं, तो देख के दिल खुश हो गए हैं, आम दर्शक मन के भी अच्छा राय आवत है, और मैं देखा था फिल्म ऐसे बनना चाहिए और भविष्य में ऐसे ऐसे फिल्म आए। सर आप मन क्या कहना? सबसे पहले तो देव उठनी एकादशी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, छत्तीसगढ़ी जनता को, अपने चैनल के लोगों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, मोहित साहू जी ने बहुत इसमें मेहनत किया है, और ख़ास तौर से दिलेश ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का मेहनत किया है, क्योंकि दिलेश को फिल्म इंडस्ट्री में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए, हालांकि उसकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त उसने तरक्की किया है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है कि आपका सभी दर्शकों के दिलों पर राज करेगी, और इस फिल्म में जहां सबसे ज़्यादा जो है साउथ का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये बहुत जो कि दर्शक मन है पसंद करते हैं। हाँ दर्शक पसंद करते हैं, क्योंकि साउथ की फिल्मों का एक दर्शकों का बहुत बड़ा ग्राफ है, हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पा रहा था, उस चीज़ को मोहित साहू जी ने हाँ वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लेकर के आया है, और एक्शन बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसके गाने भी बहुत अच्छे कर्णप्रिय हैं, जैसा कि सुनील सोनी जी से हम लोग विश्वास था उनके म्यूजिक पर, जैसे उन्होंने विश्वास से बढ़कर के अधिक उन्होंने भी मेहनत किया है, बहुत ही अच्छे गाने भी कर्णप्रिय हैं, और फिल्म भी बहुत अच्छी है, और इस फिल्म में ये फिल्म पारिवारिक भी है और एक्शन से भरपूर है, और कॉमेडी से लेकर हर एक चीज़ जो एक चाहिए इस फिल्म में मसाला, वो पूरा मसाला है। मतलब कहा जाए तो कंप्लीट पैकेज है, नाम जिसे है वैसे काम भी है, और नवा दर्शक मन बिल्कुल आप एक बार ये फिल्म ला के देखिए। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ अनिरुद्ध ताम्रकार, आप ही मन के बीच के छोटे सा कलाकार। अभी आज जो रिलीज़ हुआ है लव दीवाना, ये फिल्म जो है वो बॉलीवुड के टक्कर में बनाई गई है, रियल में जो एक्शन है एक्शन सिक्वेंस वो सही मायने में दिलेश जो परफेक्शन के साथ करे है वो अभी तक छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो स्टोरी है स्टोरी में सस्पेंस ज़बरदस्त है, खबर कि नहीं शुरू से आखिरी तक दर्शक मतलब बांध के रख रही थी कि एक्चुअल में वो हीरोइन के का है ना, खबर कि यहाँ पर तीन चार चार हीरोइन एक साथ है। कॉमेडी में नंदू जो है वो सबसे शानदार अच्छा एक्टिंग करे, मिथुन खोटे भी बहुत अच्छा एक्टिंग करे, दिलेश के एक्शन सिक्वेंस तो माइंड ब्लोइंग है, और दूसरा चीज़ ये कि जो क्रांति दीक्षित के जो एक्शन है मतलब बोलना चाहिए एक्टिंग है, वो एक्टिंग इतना क्लास है ना कि अब तक मैं मतलब मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अभी क्रांति दीक्षित जैसे एक्टिंग करने वाला बंदा अभी नहीं देखे मैं। धर्मेंद्र चौबे सर तो माइंड ब्लोइंग है, कावर की वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, और रियलिटी में उखर चेहरा में वो चीज़ दिखते जो भाव एक्चुअल में दर्शक मतलब देखना होते। दिलेश के भले अभी आए नया में नया नया आए, लेकिन कहीं भी ये नहीं लगाते कि वो हाँ वो कहीं से भी ऐसे लगत नहीं है कि वो एक नया एक्टर है, और रियल में बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करे और मेहनत भी बहुत करे। एकर अलावा माया साहू जो मुंबई के थिएटर आर्टिस्ट जो अनुपम खेर के फेमस थिएटर आर्टिस्ट मतलब में से एक खड़े हुआ, वो पूरा एक्टिंग के पूरा गुण न सीख के आज हम मन के छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आए है और यहाँ के मान ला बढ़ाते। प्रगति राव भी जो एक्टिंग करे
रियल में मोला कुछ क्षण में ऐसे लगे जैसे माधुरी दीक्षित के थोड़ा सा छवियों में नजर आई। काबर की ओकर स्माइल ओकर बात करे के तरीका ओकर एक्टिंग लगभग मतलब कई जगह ऐसे लगे कि वो माधुरी दीक्षित के ही फेम में नजर आती से। बाकी मैं दर्शक मन से यही बोलूं कि लव दीवाना पिक्चर ला आप मन बिल्कुल देखे भराओ। काबर की ये सच में बहुत अच्छा फुल ऑन फैमिली पैकेज है। लव रोमांस फाइट साउथ के एक्शन सब चीज मिली। जय जोहार। यह पिक्चर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगी। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगी। एमा ना नंदू नंदू चेलक जो कि कॉमेडियन के रोल करे है किशन के रोल करे है वो पूरा पिक्चर ला संभाले है। ओकर बिना पिक्चर कुछ नो है। एक्शन में का लगी साहब? एक्शन तो पूरा साउथ इंडियन मूवी। साउथ इंडियन यस। तो इंतजार रही इसने साउथ इंडियन देखे के। हाँ तो और का कहना चाहता ये फिल्म के बारे में? कितने दिन इंतजार रही फिल्म को? फिल्म मतलब इसको देखने के लिए तो बहुत दिन का इंतजार कर रहे थे हम लोग तो आज देख लिए ठीक लगा। आप मीडिया वाली सर फिल्म बहुत ही अच्छी है। सबका एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगा और सबसे अच्छा किशन का लगा जो मेरे मामा नंदू चेलक है उनके उनका कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर बार वो हम लोगों को घर में भी अच्छे से कॉमेडी करके बताते हैं और सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और इस फिल्म में मेरे को सबसे मेन उन्हीं का कैरेक्टर अच्छा लगा बिकॉज ही इज़ अ कॉमेडियन और कॉमेडी के बिना कोई भी पिक्चर हो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ये में आप मतलब और का अच्छा लगे जैसे गाना है गाना मन कते का अच्छा लगे साहब? गाना अच्छा लगा। तो सैड सॉन्ग रही से वो में का लगी सर? पूरा रोना आ गई। पूरा दर्शक में देखा रहे हॉल के अंदर में पूरा दर्शक एकदम शांत रहे। पूरा इमोशनल इमोशनल फुल वाला एक्शन है यहाँ पे। कोई भी जैसे कि लवर होते हैं अगर उनको उनका सच्चा प्यार है तो उनको जुदा नहीं करना चाहिए उनके साथ करवा देना चाहिए शादी। तो अगर जुदा करते भी तो ऑब्वियसली डेथ हो जाती है सो दिल टूट जाता है सभी लोग का तो नहीं करना चाहिए। और एक अलावा आप मतलब का अच्छा लगी जैसे क्रांति दीक्षित जी है जो विलन के रोल करे विलन का तो रोल मेरे को सबसे अच्छा लगता है बिकॉज हीरो लोग से ज़्यादा विलन अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके बिना भी मूवी का कोई मज़ा नहीं रहता है। अगर विलन ही अगर डेंजरस ना हो तो हीरो का कोई महत्व नहीं रहता है। अच्छा मैं तीन हीरोइन है तो तीन हीरोइन में आप मतलब कौन सबसे बेस्ट है? हेमा का जो रोल निभाया वो अच्छा लगा। अच्छा नंदू के साथ रिश्ते का? एक अलावा जैसे प्रगति राव है माया साहू है अलावा जो स्कूल टाइम में उनका लवर बने रही से माया साहू। हाँ। मुझे दिव्या अच्छा लगे। दिव्या? हाँ दिव्या वाले मिथुन खोटे के साथ जो थे। संगवारी हो हमारे साथ में है कैसे दर्शक जन ये फिल्म ना देखे है और बताते आज की कैसे लगी से फिल्म? जय जोहार संगरिया हो। अभी मैं ज़्यादातर तो भाषा नहीं सीखे हूँ बस दो वर्ड सीखे हूँ तो ये फिल्म ला सब ला देखे जरूर आऊँ। अच्छा है मनोरंजन है एक्शन से भरपूर है माया दुलार दी हूँ ये फिल्म के ला आगे बढ़ाऊँ सब ला जरूर आऊँ देखे। आठ नौ आज से स्टार्ट है आज हाउस भी फुल है समझो तो और टिकट भी लोग ले ही रहे हैं। एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ और मेरे को अच्छा लगा ये छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो ये मेरे भाषा से मिलता जुलता है मेरे भाषा से। नेपाल में एक ऐसा कंट्री है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है उससे ये भाषा मिलता जुलता है इसलिए मेरे को अच्छा लगा ये और मेरे को पसंद भी ज़्यादा है इसको। आगे तर ये पोस्टर तो छोड़ो मैं फिल्म को भी अगर इतना है कि अगर समय आए तो फिल्म को भी मैं नेपाल लेकर जाऊँगा इतना दावा है। तो जो प्रोड्यूसर साहब है उधर से बात करूँ और ये फिल्म नेपाल में चलाएं? हाँ उनसे तो जरूर अभी मैं दो लाइन बात किया तो उन्होंने बोला जरूर क्यों नहीं जाएगा फिल्म क्यों नहीं लगेगा हर जगह फिल्म लगेगा नेपाल के और देश भी लगेगा फिल्म लगना चाहिए जरूर। तो गाना कैसे लगी साहब? गाना मेरे को गाना एक गाना ऐसा लगा ये पतंग के डोरी वाला अच्छा 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 गाना लगा ये याद तो नहीं है पूरा पर गाना अच्छा लगा मैं। और उसके बाद एक एक्शन मेरे को अच्छा लगा ये निपटा दूँ आज के बाद काकरो रेगिंग करा तोला देख लूँ सुनू नहीं निपटा दूँ मैं क्या। तो संगवारी हो दर्शक के दिलो दिमाग में छा गए है निपटा दूँ तो आपो मन इंतजार झन करो आके हमर बीच लव दीवाना जेखर हमला बेसब्री से इंतजार रही से और आज ये फिल्म देख के आज हमला इतना अच्छा लगत कि मैं एक बहुत अच्छा अच्छा सीख मिली से एक अच्छा संदेश प्रिय
मिलेगी है, पढ़ाई से लेकर एक बेटी और एक मतलब अमीरी गरीबी के दर्जा देख बताए गए हैं। जब एक अमीरी लड़की से प्यार होते था कैसे होकर पिताजी और लड़की के प्रति क्या करते अलग तरह प्रयास करते। क्रांति दीक्षित जी के जब वो डायलॉग लगी सो मैं दिल छुली चो डायलॉग बहुत अच्छा प्रिय डायलॉग है वो जो मारधार चल। हाँ मारधार के समय और मैं जो गीत चली से जो सैड सॉन्ग बेवफा गीत वो तो बहुत ही प्रिय गीत है। अच्छा जैसे आप मन देखा तो ये फिल्म में हीरो एक्शन करे है तो आप मतलब पहली फिल्म जो देखे मोर जोड़ीदार पोखर से आप मतलब क्या लगते कतिक जब मोर जोड़ीदार फिल्म हम देखें तो उस समय तो छत्तीसगढ़ में पूरा हवाई उड़ गई से जनता मन के बीच में एक नया नज़र में कौन हीरो ऐसे साउथ जैसे कौन से हीरो आगे हमारे बीच छत्तीसगढ़ में मतलब मोर जोड़ीदार देखे एक बात तो ऐसे लगा रहा है एक साउथ के हीरो हमला देखे मिला नज़र में जो कि दर्शक मन पसंद करते हैं। एक मांग भी है कि साउथ की फिल्म टाइप की कुछ एक्शन होना चाहिए। हाँ हाँ साउथ की फिल्म जैसे एक्शन होना चाहिए मांग रही से वहाँ जो मांग लगभग छत्तीसगढ़ में पूरा हो चुके हैं मोर जोड़ीदार में देखे मिली आवाज वही ओखर से वो अच्छा एक्शन हमारे दिलेश भाई के एक्शन देखे मिली जेखर नाम से जाने जाते एक्शन स्टार के नाम से जाने जाते दिलेश साहू जिला और बहुत अच्छा फिल्म है एकर गाना बहुत अच्छा है हमारे निर्माता है बड़े भी हम मोहित साहू जी है और ये हमारे चॉकलेटी हीरो है वो आगे चल के और एक अच्छा फिल्म आने वाला मोर जोड़ीदार। ये फिल्म के बेस्ट पार्ट आप मतलब कहाँ लगी कौन सा ऐसे जगह है जिन्हें अच्छा लगी मोला ये फिल्म के मेन जगह वही जगह अच्छा लगी से जब दिलेश भाई और हमारे माया दीदी के जो रेणू जी के जब रोमांटिक सीन रहते जब मारपीट जब बोला अलग करते जब पता चल जाते वो भी जब एक मतलब लड़का ला मारते वो जगह बहुत अच्छा लगी। क्रांति दीक्षित जी के वो जगह जो डायलॉग है वो तो दिल छू गए बहुत अच्छा डायलॉग बोले गए कि एकरे कारण जल्दी विवाह करते बेटी मन के एकरे कारण बेटी मतलब कोख में मारते आज मतलब एक बाप हाँ एक इमोशनल जगह है एक बाप अपनी बेटी ला कितना सहा के बड़े करते लेकिन वो बेटी मन ओकर लिए कहा करते बहुत अच्छा संदेश भी दिखाया गया और एक अच्छा मतलब वो जगह तो मैं आँख से आँख से निकल गए जब वो गीत चली बेवफा गीत सैड सॉन्ग बहुत अच्छा गीत है और दिलेश भैया तो एक्टिंग ही फिर मैं कहानी जा सके लाजवाब है वो आगे चल के हमारे सुपर स्टार है ये अभी से हमला जनता मन कहा थे हम सब छत्तीसगढ़ वाला मन कहा था और ऐसा एक्शन अभी तक के सिर्फ दिलेश भैया के ही तरह से देखे मिले से जिन एक्शन स्टार के नाम से जाने जाते हैं और साउथ के पैटर्न में हमला देखे मिले तो छत्तीसगढ़ में तो मैं आपके आशा करूँ जय जोहार जय छत्तीसगढ़ आप सब आओ और पिक्चर मैं दुलार दाओ आठ शुभारंभ हो गए पिक्चर के और सबके आज हाउसफुल ही से मैं बता देना चाहता हूँ बहुत अच्छा बिल्डिंग से और आज हाउसफुल पहला शो और दूसरा शो भी लगभग हाउसफुल चला थे तो आप सब जनाओ जय जोहार जय छत्तीसगढ़ पिक्चर मैं दुलार दो छत्तीसगढ़ी में गोठिया थन जय जोहार कर थन जय जोहार करी से पूरा मतलब हीरो हा और अपन भी संग साथी के साथ जो भी है नाच गाना करी से अच्छा लगी हैप्पी एंडिंग के हैप्पी एंडिंग गाना तो अच्छा लगी मोला सबसे लास्ट गाला गाना ना बेहद पसंद आई बहुत अच्छा लगी लेकिन एक से कहा था कि उस वो गाना वाला जो है ना दो तीन कड़ी आओ आगे अगर जोड़ती तो नेक्स्ट पार्ट में जय जोहार जय छंगवारी हो आप माला देवउठनी के बहुत बहुत बधाई हो आप ये फिल्म की कहानी मैं खुद लिखे हूँ और लिखना अलग रहते लेकिन वोला विजुअलाइज करना फिर पर्दा में दिखाना अलग काम रहते और डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा काम करे है बहुत अच्छा सीन है डायरेक्शन अच्छा करे है बहुत मजा इसे और ये फिल्म के डायलॉग जैसे निपटा दूँ आज मुझे तुमसे बदला लेना है एक सती हर बाप अपन लड़का ला कोख में मारना चाहते ठीक है ना और जो लड़का लड़की के बीच में चुगलबंदी है और सबसे बेस्ट जो सीनरी से वो कॉलेज में जो आजकल के युवा मन के बारे में जैसे प्यार मोहब्बत के जो कॉन्सेप्ट है ओला बता है वो सीन बहुत अच्छा लगे से ये गाना मन आप मतलब कैसे लगे गाना बहुत बढ़िया है सुपर हिट है नवा जनरेशन के तौर हाँ नवा जनरेशन और सिचुएशन के हिसाब से गाना लिखे गए बहुत बढ़िया है मोर फेवरेट है लव गुरु तोर खातिर धर के ये दिल गुरु लव गुरु बहुत बढ़िया है ओकर अलावा चांदी की साइकिल बहुत झल पसंद है उड़े उड़े टॉक में खूब चले उड़े उड़े मोर दिल के फतंगा और धीरे धीरे जिंदगी में आए एक जो पहला लाइन है बहुत कैची है बहुत मधुर संगीत है सुनी सोनी जी बहुत मजा इसे और आप मतलब जैसे ये फिल्म में आप मन कहानी लिखे इसके अलावा और कौन कौन सा कहानी अभी तो फिलहाल बिजी हूँ तो चला था काम कॉन्सेप्ट अभी लेकिन काकरों साथ अभी टाई अप नहीं हुए हैं जरूर जल्दी आप माला कोई दूसरा अच्छा पिक्चर देखने मिली दर्शक मन की रिस्पांस देख के आप माला कैसे लगा बहुत बढ़िया लगा थे और बहुत बढ़िया है और हमन चाहतन कि दर्शक मन वो आए और ये फिल्म के मजा ले तो जो नहीं आया दर्शक उखर मन के लिए कहना चाहता हूँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो निगेटिविटी अपन अंदर रहे तो माला निकालो छत्तीसगढ़ी फिल्म वाला सपोर्ट करो अपन भाखा के पिक्चर हरे इला बनाए में बहुत मेहनत करे हैं हम एक साल से ज़्यादा समय लगी से और कहानी में भी बहुत मेहनत करे हैं डायरेक्टर प्रवीर दास मोहित भैया और मैं हम तीनों जन मिल के हम बहुत मेहनत करे हैं ओकर बाद ऑडिशन करे हैं जो कलाकार मन के चयन करे हैं उनमें भी बहुत मेहनत करे हैं कि कौन कैरेक्टर कौन एक्टर ला सूट करिए से करके बहुत बढ़िया बहुत मेहनत करे हैं और एक्शन स्टार दिलेश साहू
और प्रगति राव पहला फिल्म है ओकर माया सा होकर पहला फिल्म है सॉरी प्रगति राव दूसरा फिल्म हरे ओकर पहले दिन ठन भोकवा मारी से नंदू मिथुन सब कलाकार मन बहुत बढ़िया रोल करे है बहुत मजा इस क्रांति जी तो बल्ले बल्ले होकर बहुत बढ़िया रोल करते हो बहुत मजा इसे तो संगवारी हो ये रही से ये फिल्म के जो स्क्रिप्टिंग करे है ओखर ले गोट बात करें तो संगवारी हो औ जानथन नवा नवा दर्शक मन ले और ये फिल्म से जुड़े कलाकार मन ले बात धन्यवाद।